वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और यहाँ पे आज हम जॉन वेबस्टर को देखेंगे थोड़ा सा उनके बारे में, क्योंकि नेक्स्ट जो ड्रामा करना है वो डचेस ऑफ माल्फी करना है, इसलिए थोड़ा सा राइटर के बारे में जानना ज़रूरी है। मैं जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि आपके जितने भी डिमांड्स आ रहे हैं उसको मैं जल्दी जल्दी कम्प्लीट करूँ। और प्लीज़ जो लोग वीडियो डिमांड करते हैं एटलीस्ट आप उसको जाके देखिए, क्योंकि अभी कुछ कमेंट आया था थीम पे बनाने को और ऑलरेडी हैमलेट की थीम पढ़ चुकी है। स्टिल यू आर क्वेश्चनिंग मी कि व्हाई यू आर नॉट कंप्लीटिंग द लेक्चर, सो गो एंड विजिट द लेक्चर फर्स्ट देन आस्क कि अगर नहीं हुआ है। और जिनका जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है और वो अभी नहीं कंप्लीट हो पाया है, तो सर मैम अकेले करते हैं इसलिए थोड़ा वक्त लगता है, तो आई होप कि आप समझोगे। तो चलिए शुरू करते हैं जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर वॉज एन इंग्लिश जेकोबियन ड्रामेटिस्ट। बर्थ जो हुआ 1578 में हुआ लंदन इंग्लैंड में, डेथ जो हुई 1626 में हुई लंदन इंग्लैंड में ही। ही बिगिन टू राइट फॉर द स्टेज कोलैबोरेटिव विद मार्स्टन इन द मैलकंटेंट। मैलकंटेंट से इन्होंने अपना स्टेज जर्नी शुरू किया था और ये इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा था मार्स्टन के साथ। इनके फोर इंपॉर्टेंट प्ले हैं, द वाइट डेविल जो कि 1612 में आया, डचेस ऑफ माल्फी 1614 में आया, द डेविल्स लॉ केस 1623 में आया, एपिकस एंड वर्जीनिया 1654 में आया। फिर द डेविल्स लॉ केस को एक ट्रेजिक कॉमेडी है इनकी। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में ये है कि जो लेटर इन्होंने प्ले लिखे हैं वो भी कोलैबोरेशन में लिखे हैं और ये सारी सिटीज़ कॉमेडी थी। तो दो इंपॉर्टेंट सिटी कॉमेडीज़ जिसमें इन्होंने कोलैबोरेशन में काम किया, उसमें से पहला है एनीथिंग फॉर क्वाइट लाइफ, ये 1621 में इन्होंने थॉमस मिडलटन के साथ लिखा। अ क्योर फॉर कुकलॉर्ड, ये इन्होंने 1624 में विलियम रोले के साथ लिखा। फिर ऐसा माना जाता है कि इन्होंने द फेयर मेड ऑफ इन जो एक ट्रेजिक कॉमेडी है उसमें भी इन्होंने कोलैबोरेशन में मदद की है, कंट्रीब्यूट किया है लिखने में विद जॉन फोर्ड फ्लेचर एंड फिलिप मैसेंजर। तो इन लोगों के साथ इन्होंने भी इस पर्टिकुलर ट्रेजिक कॉमेडी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर इन हिज पोएम विस्पर ऑफ इमोर्टैलिटी, डीएस इलियट ने इनको बोला है स्कल बीनीथ द स्किन, द स्कल बीनीथ द स्किन मेमोरेबल सेज दैट वेबस्टर ऑलवेज सॉ द स्कल बीनीथ द स्किन। ये वेबस्टर के बारे में डीएस इलियट ने अपने विस्पर ऑफ इमोर्टैलिटी के अंदर लिखा है। फिर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में कि विद थॉमस डेकर हिज मेन कोलैबोरेशन, मतलब थॉमस डेकर के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन में दो इम्पॉर्टेंट वर्क लिखा, वेस्टवर्ड हो 1604 में एंड नॉर्थवर्ड हो 1605 में। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट ही शॉट इन हिज प्ले टू रिप्रोड्यूस अ इटालियन लाइफ, इनके प्लेज में हमें इटालियन लाइफ स्टाइल को देखने को मिलता है, और इमेजिनरी हॉरर्स भी इनके प्ले में हमें देखने को मिलता है, मतलब नो इमेजिनरी हॉरर्स, मतलब किसी भी तरीके का इमेजिनरी हॉरर्स नहीं है, इन्होंने अपने प्ले में इटालियन लाइफ को रिप्रोड्यूस किया है, हमारे सामने रखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ब्लड एंड थंडर प्ले मार्लो ने शुरू किया था उसमें इन्होंने अपना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, मतलब इनके मैक्सिमम प्ले इसी तरीके के हैं जैसे मार्लो के होते थे। और मार्लो को बोला जाता है ब्लड एंड थंडर प्ले का, जब भी नाम आए कि इस पर्टिकुलर टाइप के प्ले का फाउंडर कौन है या कौन लिखता था, तो दैट इज़ मार्लो। और इसी फील्ड में इन्होंने भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो इसके साथ थॉमस डेकर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, मैंने 3-4 किताबों से देख के किया। और अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हो तो प्लीज़ आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उससे मेरी भी जानकारी बढ़ेगी। कुछ रह गया हो तो उसको भी बताइए। और जॉन वेबस्टर की जो डचेस ऑफ माल्फी है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियोस पे लाऊं। पैराडाइज लॉस्ट भी करना है, सो काफ़ी काम है। सो हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं धीरे धीरे सब आपका कंप्लीट कर दूंगी, जितने भी डिमांड्स आते हैं मुझे, मैं कोशिश करती हूँ कि उन सब को मैं कंप्लीट करूँ। क्योंकि और इसलिए थोड़ा लेट होता है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एलिजाबेथन पीरियड कर रहे हो तो एलिजाबेथन एज से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएँ, उसके बाद हम आगे बढ़ें। सो अगर कुछ इधर उधर हो रहा है तो वेट करिए, वो पीरियड आएगा तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। और Till then, take care of yourself. I hope you like the lecture and thank you for giving your time. Stay blessed.